हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीज़ा एंड वेलकम टू ऑल इन माय किचन, अजीज़ा की रसोई। आज मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ 15 मिनट वेज डेजर्ट रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा लाजवाब आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। इसके हर लेयर में एक अपना स्वाद होता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए बिना लेट किए हुए इस डेजर्ट को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैं 2 कप दूध ले रही हूँ। पहले लेयर के लिए बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए 2 कप दूध और 2 टेबलस्पून शुगर डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और यहाँ पे 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालेंगे। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे। जब हम सारा इंग्रेडिएंट डाल देंगे फिर उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये एक साथ घुल जाए और हल्का फुल्का जो रहेगा गुठली वो जब हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे तब ये पिघल जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगा। और इसको हम चलाते हुए रहेंगे और इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक ये कोटिंग कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। फिर यहाँ पे 1 टेबल स्पून आप बटर डालेंगे। बटर से इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। और बटर डालने के बाद जब वो पिघल जाएगा फिर वहाँ पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और गैस के फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपने केक को असेंबल कर लेंगे। यहाँ पर मैं फ्रूट केक ले रही हूँ, उसे हम असेंबल कर लेंगे और जब हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम अपने जो मिक्सचर है उसको हम इसमें डाल देंगे और डाल करके इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम अपने कस्टर्ड के मिक्सचर को बनाएंगे। कस्टर्ड के मिक्सचर को बनाने के लिए 2 कप दूध ले रही हूँ, 3 टेबलस्पून शुगर ले रही हूँ, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर 1/2 कप दूध में हम 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लेके इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे विदाउट एनी लम्स। मेक श्योर कि यहाँ पर जो आपका कस्टर्ड का ये जो दूध रहेगा जिसको हम घोल बना रहे हैं वो ठंडा रहना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके इसे हम डालते जाएंगे और कंटिन्यूसली इसे हम चलाते जाएंगे और इसे तब तक हम चलाएंगे तब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। इसके कलर को थोड़ा सा और ब्राइट करने के लिए यहाँ पे हम कलर डाल रहे हैं, फूड कलर डाल रहे हैं, इसे कलर अच्छा आता है, लुक अच्छा इसका आता है। और यहाँ पर हम कलर डाल रहे हैं फूड कलर येलो वाला और इसे डाल करके इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और जब तक उसे ठंडा हो रहा है उसके बाद यहाँ पर हम अपने मिक्सचर में डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे। इसे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। यहाँ पे मैं बिस्किट ले रही हूँ पार्ले का, कोकोनट बिस्किट। इससे इसका लेयर देंगे, इसके हम 2 लेयर देंगे, फर्स्ट लेयर इस तरह से और जितना भी खाली स्पेस है वहाँ हम टुकड़े में भर देंगे और अपने जो कस्टर्ड का जो मिक्सचर था वो हल्का सा जब ठंडा हो जाएगा तब उसमें हम डाल देंगे और डालने के बाद फिर हम इसमें से डेसिकेटेड कोकोनट का चूरा डालेंगे और इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। जब तक वो सेट हो रहा है तब तक यहाँ पे हम व्हिप क्रीम को व्हिप करेंगे, यहाँ पे बीट करेंगे 1 मिनट के लिए। यहाँ पर वनीला एसेंस डालेंगे इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। आप चाहो तो इसे स्टिप पिक कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे हम वेट डेजर्ट बना रहे थे इसे ज़्यादा हम यहाँ पर बीट नहीं करेंगे और इसे पोर कर देंगे अपने मिक्सचर में और इस तरह से हम इसे कलर डिज़ाइन देंगे क्रीम से। आप चाहो तो अपनी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर नट्स भी डाल सकती हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक और इसे हम ठंडा ठंडा खाएंगे फ्रेंड्स। इसके हर लेयर में एक अपना स्वाद आता है, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ गाइज आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।